सीएपीएफएसी 2024 में आज का डेट हम छोड़ दें और जिस दिन आपका एग्जाम है फोर्थ को उस दिन का छोड़ दें, तो आपके पास 9 डेज बचते हैं। इन 9 डेज को प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करो, सही तरीके से यूटिलाइज करो और अपने मोटिवेशन को हाई रखो। एक चीज ध्यान रखो कि आपका जो कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल पे है। आज जैसे आप जहां भी होंगे तो आप लिमिटेड स्टूडेंट से कंपटीशन करते हो, कहीं भी इफ आप टेस्ट लिख रहे हो या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या किसी ग्रुप में पढ़ रहे हो, तो आपका अभी लगता है कि कंपटीशन हमारे ग्रुप में है, हमारे क्लास में है, हमारे जो सीरीज है उसमें है। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप फेस करते हो तो आपका जो है कंपटीशन सबसे होता है। तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेशन हाई रहेगा तभी आप वो कुछ कर सकते हो। आप इतिहास में आपके पास न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो शिवाजी, शिवाजी एक छोटे से एरिया के इनिशियली जमींदार थे, एक तरह से जागीरदार थे, लेकिन उनमें एक मोटिवेशन था कि यस हम उसको कर सकते हैं, हम अपना एक अलग साम्राज्य बना सकते हैं। और उन्होंने अपना अलग साम्राज्य बना लिया अपने छोटे कद के होने के बावजूद भी। वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हर वो वॉर चाहे फाइट जो भी हो सकता है अपने लाइफ टाइम में। बहुत सारी समस्याएं आई लेकिन उन्होंने कर दिखाया। वो कहते हैं ना कि हनुमान ने अकेले सीता की खोज कर ली, उसने विशाल समुद्र को पार करके। महाभारत में देखोगे तो वो कहता है ना कि अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो शत्रु होगा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा फाइट जो है सिर्फ तुम्हारे ज्येष्ठ पिता श्री की उच्च महत्वाकांक्षा और दुर्योधन की ईर्ष्या से होगी। तुम्हारा मुकाबला अपने समय के बेस्ट योद्धाओं से होगी। तुम्हारा मुकाबला जो है पितामह भीष्म से होगी, तुम्हारा मुकाबला आचार्य द्रोण से होगी, तुम्हारा मुकाबला जो है कृपाचार्य से होगी, कर्ण से होगा, जयद्रथ से होगा, रुक्मी से होगा, अश्वत्थामा से होगा। तो जय ऐसे ऐसे योद्धाओं से होगा। तो जब तक अपना मनोबल ऊपर नहीं रखोगे, जब तक अपना मुराल हाई नहीं रखोगे, तुम ये मानोगे कि भीष्म पितामह अपराजेय हैं, तो फिर तुम्हें उन्हें तुम पराजित नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। यही चीज है। हर पर्सन का अपना प्लस है माइनस है। हर पर्सन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ निगेटिव है। तो आप अपने पॉजिटिव को पकड़ो। आप आपके पास जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको पकड़ना है। यदि आप पेपर 1 में अच्छा कर रहे हो तो पेपर 1 में आपको एक्स्ट्रा पुश करना है, पेपर 2 में अच्छा हो पेपर 2 में एक्स्ट्रा पुश करना है। लेकिन आप इग्नोर किसी भी चीज को नहीं कर सकते हो। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि क्या कट ऑफ रहेगा, कितने क्वेश्चंस का नहीं। ध्यान रखो कि जो भी आपका पेपर होगा उस आधार पे आपको डिसाइड करना है। लेकिन नॉर्मली ये रखना है कि पेपर 1 है तो हमें 80 से 90% क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 100 क्वेश्चन से कम आप सोल्व नहीं कर सकते हो। आप 100 क्वेश्चन से कम सोल्व तब कर सकते हो कि पेपर इतना टफ दे दिया जाए कि अब तक ऐसा पेपर टफ आया ही नहीं कभी। या लास्ट सपोज 23 है वो टफर साइड में था, अब उससे 3 टाइम्स टफर दे दे तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाए, वो एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए। तो अदरवाइज हम यदि देखें तो नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल सिनेरियो रहता है तो ये ध्यान रखना है कि 80% से 90% क्वेश्चन सोल्व करने हैं पेपर 1 में। 80% टू 90% का मतलब ये होता है 100 से लेकर के 112 113 क्वेश्चन के आसपास सोल्व करना है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन लेसर क्वेश्चन यदि सोल्व करते हो तो एक्यूरेसी आपके ज्यादा होना चाहिए। मोर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो लिटिल एक्यूरेसी लेसर चल सकता है। अब किसी ने 100% क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो 100% में 100% एक्यूरेसी तो जरूरत नहीं है। 100% क्वेश्चन को सोल्व किया और 100% एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है? 250 में से 250 आ गया। लेकिन अब इसमें से एरर भी करोगे तब भी चलेगा। लेकिन किसी ने सपोज करो कि 80 क्वेश्चन सोल्व किया। अब 80 क्वेश्चन यदि आप सोल्व करते हो और उसमें एक्यूरेसी 80% से आपका लेस है तो ऑलरेडी आप रेस से बाहर हो चुके हो। अब जस्ट इमेजिन करो 80% का ये जो है 64 होता है, 64 को आप करोगे तो 128 होता है। अब 128 है इसका मतलब, और निगेटिव भी आपका ये होगा जो 16 क्वेश्चन, तो 5 मार्क निगेटिव, 5 क्वेश्चन निगेटिव, 10 मार्क 118, आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हो। तो जैसे आप कम क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। आप एक्स्ट्रा करते हो तो थोड़े से एक्यूरेसी कम रहता है तब भी आपका चलता है, लेकिन एक्यूरेसी कभी भी ध्यान रखना कि 80% से कम एक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तब भी।
कंसिस्टेंसी आपको जब तक कभी भी मैदान को छोड़ नहीं देना है। ये बीच बीच में मैं इस वजह से करता रहता हूं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे जो रेगुलर रूप से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ पेड में होते हैं, कुछ नॉन पेड वाले भी रेगुलर रूप से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो उनमें कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, तो मैं हमेशा ये इस बात का ध्यान रखता हूँ। देखो डियर, ऐसा है कि सबके पास बुक्स है, सबके पास रिसोर्सेस है, और आज इंटरनेट रिसोर्सेस से भरा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें डायरेक्टली किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मेंटर की आवश्यकता नहीं होती है। एआई आपका कमिंग डेज में इतना और अच्छा कर लेगा कि आपके अकॉर्डिंग वो आपको प्लान, पॉलिसी, सारे चीज बना बना करके देगा। आप यदि टेंस मूड में हो वो आपको समझेगा, लेकिन अभी एआई जो है उस लेवल में नहीं है कि आपको आपके अनुसार प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। हाँ, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट को वो जानता है तो उस आधार पे कुछ सजेशंस आपको देगा, लेकिन अभी पूरी तरह से आपको समझ सके वो अभी एग्जिस्टेंस में प्रॉपर नहीं आया, कमिंग डेज में वो आ जाएगा। तो इस वजह से टीचर मेंटर की आवश्यकता होती है। चीजें अदरवाइज जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, क्या लक्ष्मीकांत का अकेला कॉपीराइट है? उस फॉर्म में कॉपीराइट है कि यस, लेकिन राष्ट्रपति इंडिया के होते हैं, क्या लक्ष्मीकांत का अकेला कॉपीराइट है? नहीं, राष्ट्रपति इंडिया में है, आर्टिकल 52 में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, यदि आप पृथ्वी गोल है तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे, और जगह आपको इंटरनेट पे रिसोर्सेस भरे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें आपको जरूरत होती है कि टीचर मेंटर से आपको संपर्क, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बीच बीच में क्वेश्चंस क्यूरी आपके ने डाउट्स पूछते रहते हैं, तो इसी संबंध में ये ध्यान रखना कंसिस्टेंसी जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है परफेक्शन से। ये आप परफेक्शन ये लिए नहीं जाओ, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली आप वर्क करते रहो, आप चीजों को देखते रहो, लेकिन मोटिवेशन आप अपना कभी भी लूज ना करो। ये एक जर्नी है, और उस जर्नी में नो डाउट आपका जो कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट ब्रेन से है। बेस्ट ब्रेन का जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या जो क्वालिफाई नहीं करने वाले उनसे नहीं कंपटीशन, उनसे भी आपका कंपटीशन है, लेकिन हम जब कंपीट करते हैं तो बेस्ट को सेलेक्ट करें, बेस्ट को ये करें। यदि 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये मान करके चलना है कि हमारा कंपटीशन जस्ट 10,000 लोगों से है, तो वो 10,000 जो है वो बेटर है, और इस 10,000 में भी जो 2,000 3,000 है वो बहुत अच्छे हैं, वो क्रीम है, उनसे आपका रियल फाइट है। तो सिलेक्शन यदि आपको लेना है, देखो एक तो है कि रिटेन हमको क्वालिफाई करना है जस्ट, तो आप 10,000 का कंपटीशन। यदि आपका ये रखना है कि मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 2,000 में आपको कंपीट करना है, 2,000 में कंपीट करते हो तो ऑब्वियसली आपका, अब जैसे कोई रिजर्व लिस्ट में है, रिजर्वेशन वाले में है, यानी कि ऐसे कैटेगरी जिसमें आपका स्पेसिफिक रिजर्वेशन है, तो आपको ज्यादा सैंपल साइज लेना पड़ेगा कि आपका, जैसे आप कोई एक सर्विस मैन है तो उनका बहुत खराब भी है तो हो जाएगा, कुछ एससी वाले में है तो थोड़ा कम रहेगा मार्क्स, तब भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है सबका हो जाएगा, नहीं, फिर भी, लेकिन आप यदि ये ध्यान रखते हो ये हमारा कंपटीशन जो है 10,000 में, हमारा कंपटीशन 2,000 में, फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 500 सीट्स, 506 सीट्स है, तो 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट नो डाउट आपको 3,000+ मिलेंगे। मे भी हो सकता है 3,300 के आसपास रिजल्ट मिले, तो आप इसमें कंपटीशन करोगे तो यहाँ इसमें करोगे तो संभावना है कि यहाँ आ जाओ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में तो दिक्कत होगा। लेकिन ये जब सैंपल साइज लेते हो तो ये एटलीस्ट रहेगा कि जितने रिजल्ट आ रहे हैं उससे कम में आप ऑलरेडी हो, तो आपका टारगेट ये होता है। अब ये सारे के सारे जो हैं 3,300, तो वो फिजिकल मेडिकल में बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, तो इंटरव्यू में तो पहुंचेंगे, मान के चलो कि सपोज करो कि 1,500 कैंडिडेट्स, तो 2,000 आप जब ये रखते हो तब ना आप यहाँ तक पहुंचोगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप अपना मोटिवेशन को है उसको अप रखो, अपने एनर्जी को बूस्ट अप रखो, इस समय जो कमिंग डेज है उसमें आप अपने हेल्थ वगैरह पर प्रॉपर ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि यस हमें अपना जो स्ट्रेंथ है उसमें पूरे तरीके से लगाना है, और आखिरी मोमेंट तक आपको हार नहीं मानना है। लास्ट लास्ट मोमेंट तक जब जो आप देखते हो कि सो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट, क्रिकेट इंडिया में बेस्ट एनालॉजी है, क्रिकेट में देखते हो क्या है, लास्ट बॉल तक भी कोई भी आशा नहीं छोड़ते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट बॉल में हम 6 मार लें, लास्ट बॉल में 4 मार लें, और ऐसे हुए हैं। आप बेस्ट एग्जाम्पल देखना जो मैं बात कभी कभी देता हूँ आपको एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप देखो, सोचो दोनों टीमें बराबर कर
कई। फर्स्ट सुपर ओवर दोनों टीमें बराबर, सेकेंड सुपर ओवर दोनों बराबर, फिर वो जो एक कोई रूल्स था उसके आधार पे जो है वो इंग्लैंड फिर विनर हुआ। तो सोचो कितने प्रेशर उस समय हो। तो वही ध्यान रखना है कि लास्ट लास्ट मोमेंट तक छोड़ना नहीं है। जब आप 100 मीटर का रेस करते हो, 400 मीटर का रेस करते हो, जो आप देखे हुए हो, तो उसमें क्या होता है, आखिरी मोमेंट तक आपको एनर्जी लगाना है, आखिरी मोमेंट तक करना है। तो अभी मोटिवेशन अपना बरकरार रखो, प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सकता है, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो, चीजों को इम्प्रूव करते रहो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909066 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।